एनडीए के नेता नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। रविवार को अपने शपथ ग्रहण समारोह से पूर्व उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल जाकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद वे राष्ट्रीय समर स्मारक गए, जहां उन्होंने देश के वीर शहीद सपूतों को नमन किया। महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट पहुंचकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि हम सेवा और सामाजिक कल्याण के प्रति महात्मा की अटूट प्रतिबद्धता से बहुत प्रेरित हैं। उनके विचार हमें एक बेहतर समाज के निर्माण में मार्गदर्शन करते रहते हैं। वहीं अटल बिहारी वाजपेयी के दूरदर्शी नेतृत्व और प्रगति के प्रति प्रतिबद्धता ने हमारे राष्ट्र को बहुत लाभ पहुंचाया। उनके शब्द और कार्य हमें सर्वांगीण विकास के लिए प्रेरित करते रहते हैं। वे हम सभी के लिए मार्गदर्शक प्रकाश हैं। प्रधानमंत्री ने उन्हें उनके समाधि स्थल सदैव अटल जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके साथ इंडिया गेट स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक में देश के वीर जवानों को श्रद्धांजलि देने के बाद नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे वीर सैनिकों का अटूट साहस और निस्वार्थता हमें उन मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्रेरित करती है जिनके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। उनका बलिदान हमें उनके सपनों का एक मजबूत और समृद्ध भारत बनाने के लिए भी प्रेरित करता है। इस दौरान राष्ट्रमंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेना के प्रमुख उनके साथ थे। उल्लेखनीय है कि आज शाम 7:15 बजे नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के भवन प्रांगण में तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे।